तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैं सब्जी काट के रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हैं ये है धनिया, तो आप धनिया को भी काट लीजिए। और ये है मिर्ची, मिर्ची है, मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं लिया, आप भी अपना स्वाद अनुसार आपको जितना झाल चाहिए उतना ले लीजिए। तो मैं 3-4 मिर्ची ले लिया। और यहाँ पे ये है चुकंदर, ये जो बीट है रेड बीट, तो इसको एक टुकड़ा ले लीजिए, कलर के लिए काफ़ी अच्छा होता है सब्ज़ी में, तो आपका सब जो सब्ज़ी आप बनाएंगे उसको अच्छे से कलर कर देगा। तो हम कलर के लिए यही यूज करेंगे, चुकंदर बीट, काफ़ी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हेल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वेजिटेबल है, ये मतलब आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, ये हम वेजिटेबल लाई पत्ता बोलता है इसे, तो आप सरसों का साग या आपका मर्जी से आप कोई भी साग को बना सकते लाई हैं। साग बोलते लाई साग। और यहाँ पे देख सकते हैं आलू और अंडा, इसे मैं ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। और इसे अब मैं अंडा को छील लूँगा। और जी हाँ, मसाला सिर्फ हम यही यूज़ करेंगे, देख लीजिए मैगी मसाला, तो ये काफ़ी अच्छा है, और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी मसाला से बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाला डालेंगे तो हेल्थ ख़राब हो सकता है। और आप इसमें नमक डाल लीजिएगा, बस इतना ही चीज़ है, सिंपल सा आपका जो हेल्दी है खाना इसी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये उबल चुका है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे, सब्जी, तो आप देख सकते हैं ये जो सारा सब्जी है और आपका आलू है, मिर्ची है, नमक है, सारा कुछ एक ही साथ डाल दीजिए, टेंशन नहीं है। और जो चुकंदर है वो भी काट के डाल दीजिए, साग आपको साग ही दिखाई पड़ रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे साग ज़्यादा है ऊपर में डाल दिया है मैं, और जो पोटैटो है अंडा है सारा नीचे डाल दिया है। तो दोस्तों अंडा जो है उसे थोड़ा आप मतलब जो चाकू है नाइफ़ है उसे थोड़ा थोड़ा हल्का सा मतलब फाड़ दीजिए, क्योंकि जो मसाला है जो मतलब मसाला का रस जो है वो अंदर घुसेगा तो आपको खाने में टेस्ट आएगा, स्वादिष्ट लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ मैं डाल चुका हूँ, अब इसे कर देता हूँ बंद। तो देख सकता है ये ऑन है, अब कुक मोड में है, अब ये मतलब कुक हो रहा है। तो ये जब उबल जाएगा आप इसे देख सकते हैं खोल के, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ, थोड़े देर बाद इसे खोल के देखूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जी शायद पक गया, मैं खोल के देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार से पक रहा है, ऑलरेडी पक गया है, तो काफ़ी मज़ेदार सब्जी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो सब्ज़ी है पक गया, इसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप इसे निकाल के सीधे से बिंदास से खा सकते हैं। तो दोस्तों आप सब्ज़ी हो गया तैयार, आप खाइए और इन्जॉय कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये हेल्दी सब्जी आपके लिए तैयार हो चुका है, तो दोस्तों आप ऐसे अगर खाएंगे तो आपका बीमार वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों अगर सब्ज़ी अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।